चलिए अब हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। बहुपद हम लोग पढ़े हैं, बहुपद में दो बहुपद को जोड़ने सीखे, दो बहुपद का गुना सीखे, बहुपद को कैसे संकेत में लिखते हैं वो हम लोग सीखे। यहाँ पर अब हम लोग एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भागा देने के लिए सीखें। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भागा देना है, तो भागा देंगे तो क्या बचेगा, शेष बचेगा। इसलिए उस थ्योरम को शेषफल प्रमेय कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शेषफल प्रमेय। इसमें करते क्या चीज है, हम लोग एक बहुपद देते हैं और एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भागा देते हैं, जो सिंपल सा नंबर वाला भागा होता है। जैसे हम लोग एक भागा देते हैं 8 / 19 इस तरीके से, तो भागा देने के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, 8 से भागा देते हैं यानी पहरा पढ़ते हैं 2 बार, कितना आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, कितना बचेगा, 3। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है इसका क्या नाम, ये जो 19 है 19 का नाम भाज्य, और ये जो है आपका 8 इसका क्या नाम भाजक है, और ये जो है आपका इसका नाम है भाग फल, और ये जो बच गया इसको हम लोग शेष या शेष फल बोलते हैं, है ना। तो ये 4 चीज आपका भाग में इस्तेमाल किया जाता है, एक आपका भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। और हम लोग भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, और इसको हम लोग डिवाइडेंट कहते हैं। और ये भागफल है इसको हम लोग कोसेंट कहते हैं, और ये क्या है आपका शेषफल, इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। याद रहेगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 19 क्या है, ये भाज्य है। 19 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 19 बराबर 8 × 2 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहां से हम लोगों को पता क्या चला, ये आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भाग फल प्लस शेषफल है। ये चीज हम लोग बचपन में भी कई बार पढ़े। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही चीज हम लोग अभी बहुपद में लिखेंगे, और उसी चीज को हम लोग शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं। जो चीज हम लोग यहाँ संख्या में पढ़े सिंपल में, कि 19 को लिख सकते हैं 8 × 2 + 3, 19 तो ही है, ये आपका 19 भाज्य कहलाता है, 8 भाजक, 2 भागफल और 3 आपका शेषफल कहलाता है। तो इतना समझ में आया। देखिए इस भाग में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका जो भाजक है और ये जो है आपका शेषफल जो है, इसमें क्या होगा, 8 हमेशा क्या है, यहां पर 3 से बड़ा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाजक जो होगा, भाजक यानी कि डिवाइजर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर से बड़ा हो जाए। कोई भी भागा दे, भागा देंगे तो डिवाइजर और रिमाइंडर में जो तुलना करेंगे तो डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा और रिमाइंडर छोटा होगा। अगर नहीं होगा ऐसा तो भागा लग जाएगा, अगर मान लीजिए 13 आ जाए तो भागा लग ही जाएगा। हर एक सिचुएशन में शेष का मान जो है वो डी से छोटा, विभाजक से छोटा हो।
समझ में आ रहा क्या चीज बताया गया? ये तो आपका सिंपल सा संख्या पर आधारित था, ताकि अभी हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि ये P of X एक बहुपद है और तथा G of X ये दूसरा बहुपद है, जहां पर कुछ भी बोल सकते हैं, G of X भी बोल सकते हैं, Q of X भी बोलेंगे, इसको हम लोग G of X माने। जहां पर G of X जो है वो जीरो के बराबर नहीं, ये आपका P of X और G of X दो बहुपद भी, कोई दिक्कत? दो बहुपद है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग दो बहुपद लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर P of X और ये जो G of X है, इसमें आपका जो P of X का घात होगा वो हमेशा बड़ा होगा G of X के घात से। G of X के घात जितना होगा उसके घात से P of X का घात क्या होगा? बड़ा होगा। उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हम लोग सदैव दो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कितना बहुपद? दो। तो सदैव दो बहुपद Q of X तथा R of X प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर दो बहुपद दिया गया हो, एक P of X और G of X, जहां पर P of X का घात G of X के घात से बड़ा है, और तो हम लोग क्या करेंगे, Q of X और R of X सदैव हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये देखिए, जस्ट यही भागा प्रोसेस से। ये P of X का क्या है, घात बड़ा है, इस P of X को हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। किनसे? इसी G of X से। जब G of X से भागा देंगे P of X को, कुछ तो प्राप्त होगा, एक दो चार पांच एक्स वाई जेड, तो जो प्राप्त होगा वह भी तो एक बहुपद होगा, और उसको हम लोग Q of X लिखते हैं। घटेगा काम होगा, नीचे में क्या बचेगा, तीन चार एक दो पांच जीरो कुछ तो बचेगा, वो सभी भी तो बहुपद होगा, कुछ तो बचेगा ना, पांच बचेगा तो पांच भी तो एक बहुपद है, और उस शेषफल को हम लोग R of X लिखते हैं, R of X लिखते हैं। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि अगर P of X को एक बहुपद को दूसरे बहुपद G of X से भागा देते हैं तो दो बहुपद सदैव प्राप्त किया जा सकता है, एक Q of X दूसरा R of X, याद रहेगा। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, That is implies that P of X is equal to G of X into Q of X plus R of X। ये जो चीज है इसी चीज को हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं, या जो स्टेटमेंट लिखा गया है वह शेषफल प्रमेय का ही स्टेटमेंट। ये चीज क्या कहलाता है? शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। जहां पर ये जो है आपका G of X, ये जो है आपका G of X की घात जो है वो सदैव बड़ा होगा, किसके घात से? R of X की घात से। अगर नहीं होगा वैसा तो हम लोग फिर से भागा लगेंगे, फिर से भागा लगेगा जो चीज हम लोग अभी बताए थे उसमें। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x है,
कोई बहुपद, तो अगर यहाँ पर x बच जाएगा तो एक बार में लग जाएगा भाई, तो कट जाएगा है ना, तो जीरो बचेगा। इसीलिए बोला गया ये जो आपका x का घात 1 है, x का घात 1 है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर 1 रहेगा ही, तो कट जाएगा। इसलिए g ऑफ x की घात जो है ये वाला घात, वह r ऑफ x की घात से सदैव बराबर है। समझ में आया क्या चीज बताया गया? अब हम लोग इसका एग्जांपल लेकर के देखेंगे, ये थ्योरेटिकली चीज है तो समझ में जल्दी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग दो बहुपद लेंगे और भाग देंगे कि भाग कैसे दिया जाता है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से। अब हम लोग एक एग्जांपल की सहायता से यह समझेंगे कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे देते हैं। तो सवाल में आपको दो बहुपद सदैव दिया होगा, तो सबसे पहले यह याद रखना है कि जिसका सबसे बड़ा घात होगा वह p ऑफ x होगा, और जिसका छोटा घात होगा वह g ऑफ x कहलाएगा। अब यहां पर तो आपका दिख रहा है कि ये जो है आपका घटते हुए क्रम में घात दिया गया है, घात घटते हुए क्रम में 3, 2, 1, 0, और इसका भी घात घटते क्रम में 1, 0। अगर आपको कोई सवाल दे और घात क्रम में ना, यानी कि सीधा नहीं उल्टा पुल्टा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी बहुपद को जो दिया होगा उसको हम लोग घटते हुए क्रम में सजाएंगे, घात के घटते हुए क्रम। अगर मान लीजिए बहुपद दे दिया गया ऐसा 2x³ + 5x⁴ - 3x⁵ + x + 3 या 2, तो यह एक बहुपद है लेकिन घात किसी क्रम में नहीं, तो इसको हम लोग या तो घटते हुए क्रम में सजा देंगे या तो बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे, घात के घटते हुए क्रम में या घात के बढ़ते हुए क्रम में। उसी तरीके से ये भी जो दिया रहता है कभी कभी ऐसा दे देगा 4 + x, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे x + 4। इस तरीके से हम लोग सबसे पहला काम जो बहुपद दिया होगा उसको घात के घटते हुए क्रम में लिखना, और एक को मानना है p ऑफ x, दूसरे को मानना है g ऑफ x। उसके बाद बच्चा वाला जो भाग हम लोग सीखे हैं वही काम करेंगे। जो छोटा वाला बहुपद होगा वह g ऑफ x, हम लोग अभी g ऑफ x से p ऑफ x को भागा दिए थे, x प्लस 4 से क्या करेंगे इस बहुपद p ऑफ x को भागा देंगे, 4x³ + 3x² + 2x + 3 लिख दिए। अब क्या करना, भागा देना। जो बचपन में हम लोग क्या करते थे, 2 / 2 = 1, यहाँ पे भी वही काम करना। तो लेकिन इसमें एक चीज क्या याद रखना है, जैसे हम लोग देखिए लिखते हैं 2 / 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख लेते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 2 का पहाड़ा इतना ही बार पढ़ना जिससे कि ये जो 3 है या तो कट जाए या तो उससे कम आए, या तो उसके बराबर आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए, यही ना। हम लोग अगर 2 बार पढ़ लें तो क्या होगा, घटेगा, समस्या हो जाएगी। तो इस वाले बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर बड़ा संख्या ले लिए तो समस्या हो गया, घटने वाला है नहीं, यानी कि हम लोग एक ही बार लेंगे तभी होगा। तो ठीक उसी तरीके से ये तो अपने मर्जी से लिया जा रहा है वह, तो यहाँ पर भी आपको अपने मर्जी से ऐसा मान चुनना है जिससे कि ये जो टर्म दिख रहा है ना 4x³, एक टर्म कैंसिल हो जाए। हर एक बार जो भागा देंगे हम लोग प्रत्येक बार में एक टर्म कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 4x³ यहां पर लाना है, क्या लाना है 4x³, तो 4x³ लाना है। इसके लिए हम लोग यहां पर कौन सा संख्या लेंगे जिसको इससे गुणा करने पर यहां पर 4x³ आता है। हम लोग यहां जो भी लेते हैं तो उसको इससे गुणन करते हैं, पाराइन पढ़ते हैं, जैसे यहां पे अगर दे दिया जाए 1, 4, हम लोग क्या करेंगे 7 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 7 बार। तो यहां पर हम लोग चूंकि देखिए x है
x तो है दिया हुआ, यहाँ पर x है ना, तो हम लोग सबसे पहले घात बराबर करेंगे, हम लोग x को x स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो x क्यूब आ सकता कि नहीं आ सकता, ऐसे लिख दिया गया है x क्यूब, कोई दिक्कत। अब x क्यूब के बगल में क्या चार है, जिसके बगल में चार लगा तो क्या हो, 4x स्क्वायर को अगर हम लोग गुना करेंगे x प्लस 4 से, तो गुना करेंगे 4 गुना 1 4 x गुना x स्क्वायर गुना x क्यूब प्लस 4 गुना इतना 4 चौका 16x स्क्वायर आएगा, तो हम लोग लिख देंगे प्लस 16x स्क्वायर, उसके बाद इस तरीके से बट्टे का चिन्ह देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, 7 × 14 घटाएंगे ना, यहाँ पर भी घटाएंगे, देखिए यहाँ पर घटाना है, ये आपका प्लस है ऊपर में, तो घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4x³ प्लस में 4x³ माइनस में, एक टर्म कैंसिल, अब घटा देंगे 3x² में 16x² को घटाना माइनस 13x² आ गया। अब हम लोग क्या करें, ऊपर से एक डिजिट उतारते हैं, एक टर्म उतारें प्लस 2x, कोई दिक्कत। अब हम लोग फिर वही दिमाग लगाएंगे, फिर वही काम करना, इस बार ये माइनस 13x² को काटना, हटाना, भगाना, कैंसिल कराना, लाठी डंडा है ना जो मिले उससे मारपीट के भगाना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं x स्क्वायर है ना, यहाँ पे x है, सबसे पहले घात लेंगे x गुना x, x स्क्वायर तो आ जाएगा है ना, उसके बाद यहाँ पे 13 है, 13 लाना है तो 13 ले लेंगे, तो 13 गुना x करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13x², चूंकि अब हम लोग यहाँ पर भाग वाला सिस्टम है तो घटाना पड़ता है, अगर हम लोग यहाँ पे प्लस लेंगे इस तरीके से प्लस 13x, तो प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस में ही रहेगा, और घटाने के क्रम में नीचे में क्या माइनस, तो जुट जाएगा, कैंसिल होने वाला नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लेंगे, यहाँ पर अगर प्लस हो तो प्लस लेंगे, यहाँ पे अगर माइनस हो तो माइनस लेंगे, समझ में आ रहा। तो माइनस 13x को हम लोग गुना करेंगे एक्स प्लस 4 से, देखिए x गुना x x स्क्वायर 13 है, माइनस 13 तो माइनस 13 आ जाएगा, अब देखिए माइनस इनटू प्लस करेंगे क्या आ जाएगा माइनस, 13 x को 4 से गुना करेंगे 13 चौका 52 x आ गया, समझ में आया कैसे आ गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 13x² ये माइनस में और ये माइनस 52 x, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो हो गया आपका पद वाला जो भाग करके ना इतना, अब भाग वाला माइनस देना है, अब देखिए माइनस लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस भाग वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2x में 52x को जोड़ना, नीचे वाला चिन्ह को देखो कितना आ जाएगा 54x प्लस 3, ऊपर से एक पद उतारेंगे 3, समझ में आया। अब फिर वही काम करना, एक छोर पद को हटाना, x दिख रहा है, x दिख रहा है यानी कि खाली 54 प्लस 54 को x से गुना करेंगे तो 54x, और प्लस 54 को 4 से गुना करेंगे, करेंगे ना 54 गुना 4 करेंगे कितना आ जाएगा 54 गुना 4 4 चौका 16 और 4 5 20 कितना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे माइनस माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 में 216 घटाएंगे कितना आ जाएगा -213। तो अब देखिए इसका घात, इसका घात x का पावर क्या है 0, घात यहाँ छोटा है ना, यही आपका शेषफल हो गया, या शेष हो गया, ये आपका
क्यू ऑफ एक्स हो गया क्यू ऑफ एक्स और ये आपका आर ऑफ एक्स। तो जब भी पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया रहेगा तो दो बहुपद क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स हम लोग क्या कर सकते हैं सदैव प्राप्त कर सकते। और भागा कैसे दिया गया समझ में आया, अगर कुछ भी डाउट हो तो बोला जाए।